पीएच ट्रैवलिंग व्लॉग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अमरकंटक में हमने अपना एक दिन पूरा कर लिया है और अब हम निकल पड़े हैं अमरकंटक में रात बिताने के लिए एक होटल की तलाश में। हम फैमिली के साथ अपनी कार से अमरकंटक आए हैं। हम टोटल 5 मेंबर्स हैं। हमने अमरकंटक में कुछ होटल्स देखे हैं पर होटल के कॉस्ट बहुत हाई थे। एक रूम के 3000 से लेके 3500 तक प्राइस बताए जा रहे हैं और हम लोगों को एक अफोर्डेबल अकोमोडेशन का तलाश है। इसी तलाश में हम आ गए हैं श्री सर्वोदय दिगंबर जैन मंदिर आश्रम में। श्री सर्वोदय जैन मंदिर आश्रम आकर हमारे एक अफोर्डेबल अकोमोडेशन का तलाश पूरा हुआ। यहाँ पर हमको 6 लोगों के लिए एक अकोमोडेशन 1500 रुपये में मिल गया और यहाँ पर हमारी कार को रात में पार्क करने का भी फैसिलिटी था। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि ₹1500 में कैसा अकोमोडेशन हमको मिला। वैसे तो हम यहाँ पर कल रात को ही पहुँच गए थे पर अंधेरा होने के कारण हम वीडियो नहीं बना पाए, इसलिए आज हम आपको सुबह चेकआउट से पहले वीडियो बनाकर रूम दिखा रहे हैं। यह जो सामने आपको एक अपार्टमेंट दिख रहा है, 1500 रुपये में आपको यह एक दिन के लिए पूरा मिलेगा। अंदर 6 लोगों के सोने की व्यवस्था है। क्योंकि हम लोग 5 लोग थे तो हमारे लिए तो ये पर्याप्त था। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर 6 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। यहाँ पर 2 बेडरूम्स हैं और एक बेडरूम में 3-3 लोगों के बेड्स हैं। पहले बेडरूम आपको वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको कूलर और फैंस मिलेंगे। यहाँ आपको टीवी, फ्रिज वगैरह लग्जरी फीचर्स नहीं मिलने वाले, पर हमको तो एक रात बिताना था तो हमको इससे कोई दिक्कत नहीं था। वैसे भी आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन्स होते हैं तो टीवी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बेडरूम्स के अलावा आपको यहाँ पर एक हॉल, एक किचन भी मिलेगा। आपके पास खाना बनाने का अगर व्यवस्था हो तो आप किचन का यूज़ कर सकते हैं और हॉल में सब बैठकर लंच या डिनर भी कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर एक बालकनी मिलेगा जहाँ पर आप अमरकंटक के फ्रेश हवा का आनंद ले सकते हैं। शाम के समय या सुबह मॉर्निंग में आप यहाँ बैठ सकते हैं। अब हम आपको यहाँ का दूसरा बेडरूम दिखाते हैं। इस बेडरूम में फैंस के साथ साथ एसी भी दिया गया था। वैसे तो अमरकंटक एक ठंडा जगह है तो यहाँ एसी की ज़रूरत पड़ता नहीं और हमको भी नहीं पड़ा। यहाँ पर बेडरूम में अटैच बाथरूम भी है और आप उसको वीडियो में देख सकते हैं। इस बाथरूम के अलावा यहाँ पर एक सेपरेट बाथरूम भी दिया गया है, वो भी आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। इन बाथरूम्स में गीज़र का व्यवस्था है और अमरकंटक जैसे ठंडा जगह में गीज़र ही सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। बेड्स क्लीन थे, ब्लैंकेट्स क्लीन थे तो हमको यहाँ पर स्टे करने में ज़्यादा कुछ कठिनाई नहीं आया। तो ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा ही था। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।